और आरोपी ब्रांच मैनेजर अमरजीत सिंह और उसका सहयोगी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। सेंट्रल बैंक के आरएम का कहना है कि जांच लगातार चल रही है, जनता हमारा सहयोग करे, जल्द से जल्द उनका पैसा बैंक द्वारा लौटाया जाए। इसी दौरान जांच करने वाले बैंक कर्मचारियों से नेताओं ने मारपीट कर दी। इस घटना को लेकर अब विपक्षी नेता पुलिस और सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। उस बैंक मैनेजर द्वारा जो कृत्य किया गया, जो घोटाला किया गया, और इतने दिन हो गए और कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज है, उस इतनी गंभीर गंभीर जो है उस मामला है, उसके बावजूद वो पुलिस से क्यों दूर है? अब तक पुलिस उसे को क्यों नहीं पकड़ पा रही? आखिर दबाव क्या है? ये सत्ता पक्ष जो है इसके अंदर काम क्यों नहीं कर रहा है? सरकार क्यों सो रही है? जबकि बैंक से जुड़ा मामला है, अब तक बैंक मैनेजर को सामने नहीं लाया गया। ये कहीं ना कहीं समझ से परे है और कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसको बचाने का काम कर रही है। कुछ उसके खिलाफ पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस में मैंने ऑलरेडी FIR लॉन्च करवा दी गई है और मैं आप सबको इन चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। थोड़ी सी विलंब हो सकता है जांच